निर्मला जी नमस्ते। अरे नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? सब ठीक ही है लगभग। लगभग मतलब क्या? लगभग क्या? लगभग मतलब वो बाबूजी का। बाबूजी को क्या हो गया? उनकी आँख में गड़बड़ी है और दिनों दिन ये स्थिति है खराब होती जा रही है। आँख की स्थिति बहुत खराब होती। हाँ, आप तो बताए थे कि उनको आप डॉक्टर जी के पास लेकर के गए थे, तो क्या बोले डॉक्टर साहब? हम डॉक्टर साहब से तो मिले थे निर्मला जी। डॉक्टर साहब ने कहा कि आँख बदलना होगा। अब आप ही बताइए कि आँख कहाँ मिलेगा? हाँ ये तो है, आई बैंक में आप जा सकते हैं, वहाँ से संपर्क कर सकते हैं आप। आई बैंक? आई बैंक वहाँ आँख बनता है कहाँ? नहीं नहीं, ऐसा होता है कि जब लोग मर जाते हैं ना, तो उनके शरीर से उनके इजाज़त के, उनके परिवार की इजाज़त के हिसाब से निकाल लिया जाता है अंग। अच्छा? तो वो सब वहाँ पे जमा करके रखा जाता है और ज़रूरतमंदों को दिया जाता है। मतलब लोग आँख दान कर देते हैं? हाँ बिल्कुल, नेत्र दान होता है। अच्छा, मतलब नेत्र दान कर देते हैं लोग ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और यहाँ तक कि आप तो बात कर रहे हैं नेत्र की, यहाँ तो अगर जैसे आप अन्न धन और ये सब जो दान करते हैं उसी के साथ वैसे ही होता है। नेत्र आपके जो आपके शरीर का जितने अंग होता है, नेत्र हो गया, किडनी, लीवर, ये सब भी दान किया जाता है। और उसमें नेत्र दान तो सबसे महादान, सबसे बड़ा दान कहा जाता है। होता क्या है कि नेत्र दान जो होता है, आपकी आंखों से जो आपके आंखों में जो कॉर्निया होता है ना, उससे दो व्यक्ति आप उनको नेत्र दान कर सकते हैं, दो लोग दुनिया को देख सकते हैं। क्या बात, तो ये कब होता है? ये तो भाई मरने के बाद ही होता है, लेकिन अब इसके बारे में उतनी ज़्यादा तो जानकारी हमको है नहीं। लेकिन हाँ ये है कि हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पर से आपको चलेंगे मेरे साथ, तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे जो हमारे IGIMS जो हॉस्पिटल है ना, वहाँ से डॉक्टर बम्भोला प्रसाद जी आए थे। अच्छा, जो कि नेत्र सर्जन है। ये तो बहुत बढ़िया, आप पता है। तो निर्मला जी हम भी आपके साथ चले क्या? हाँ, बिल्कुल, उससे क्या है ना कि हमको भी कुछ जानकारी मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल, जानकारी तो सबको होनी चाहिए। लेकिन निर्मला जी हमको रास्ते में कुछ काम है, हम वो काम करके ये बताइए कि हमको कहाँ आना होगा। हाँ तो हम लोग तो जा रहे हैं सरपंच जी के बगीचा में। अच्छा, तो आप भी वहीं आ जाइए सरपंच जी के बगीचा में। हाँ हाँ सरपंच जी। अच्छा तो निर्मला जी हम वहाँ पहुँचते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए। हमारे गांव के ही हैं सर रमेश जी, जिनके पिताजी की आंखों में गड़बड़ी है जिसकी वजह से वो बड़े परेशान हैं, तो वो आपसे आकर के मिलना चाहेंगे और आपसे कुछ सवालों के जवाब चाहेंगे। अरे हम आ गए निर्मला जी। अरे नमस्ते सर। नमस्ते। इन्हीं डॉक्टर साहब के बारे में आप बोल रही थी क्या? अच्छा, हमको लगता है ना कि अब एकदम हम निश्चिंत हो गए हैं। सर जैसा कि बता रही थी निर्मला जी कि आप IGIMS में हैं और नेत्र के बारे में सर जानकारी देंगे, तो सर ये तो हमारे लिए सर बहुत अच्छा बात हो गया सर। सर हम ये जानना चाह रहे थे कि सबसे पहले सर आपका परिचय जानना चाहेंगे। मेरा नाम डॉक्टर BP यादव है, मैं यहीं IGMS में पोस्टेड हूँ, आई डिपार्टमेंट में। अच्छा, और आई डोनेशन के संबंध में जो है जो भी ज़रूरत बातें हों वो आज हम लोग बताएंगे, बातचीत करेंगे। सर हमारे साथ समस्या ये है कि बाबूजी का आँख जो है ना सर, वो दिनों दिन खराब होती जा रही है, और डॉक्टर साहब से हम दिखवाए हैं तो बोले ना कि इनका आँख बदलना पड़ेगा, तो हमको सर समझ में नहीं आ रहा है कि आँख बदलना पड़ेगा और इसके लिए सर हमको कहाँ जाना होगा, क्या करना होगा, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए अगर आँख की परेशानी है और आँख बदलने की बात कही गई है, तो आप ये मान लीजिए कि आँख का जो ऊपरी हिस्सा होता है जिसको हम आँख की कॉर्निया बोलते हैं, वो कॉर्निया में ज़रूर गड़बड़ी हो गई होगी। कुछ दिन पहले हो सकता है उनको ये परेशानी आई होगी, जिसमें उसको सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो कॉर्निया जो है धुंधली हो गई, ओपेक हो गया।
इस वजह से आपको ये बताया गया होगा कि ये कॉर्निया बदलना पड़ेगा। वस्तुतः इस संबंध में लोगों को भ्रम है, आँख बदलने का मतलब पूर्णतः आँख नहीं बदली जाती है। अच्छा। आँख का जो कॉर्नियल पार्ट होता है, या यूँ कहें कि जो आँख की कांच होती है जिससे दुनिया देखा जाता है, वो उसमें गड़बड़ी आ गई होगी, इसीलिए वो बदलने की बात कही होगी। इसके लिए बिहार के हर मेडिकल कॉलेज में आई बैंक की स्थापना सरकार बहुत तेज़ी से करने जा रही है, कुछ में कर भी चुकी है। अभी फिलहाल आप IGMS के नेत्र विभाग में आई बैंक खुला हुआ है, उस आई बैंक में आप मरीज को ले जाएं। हाँ सर, निर्मला जी बता रही थी कि आई बैंक से आप आँख ले सकते हैं, तो हम ये जानना चाह रहे थे कि क्या प्रक्रिया है सर, हम वहाँ से कैसे हम आँख लेकर और प्रत्यारोपण करवा सकते हैं। बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले मरीज को देखा जाता है कि आखिर मरीज को कौन सी बीमारी है, किस तरह की ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। उसी के तहत कुछ जांच पड़ताल करने के बाद जब ऐसा महसूस हो जाता है कि अब आँख को बदलने के सिवा, कॉर्निया को बदलने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं बच गया है, तो फिर उस मरीज को हम लोग आई बैंक में रेफ़र कर देते हैं और मरीज वहाँ इत्मीनान से आई बैंक में जाते हैं। एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है, जो इसी तरह का फॉर्म होता है, ये जो फॉर्म होता है ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद अपने आई को प्लेज कर देते हैं, यानी रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद मरीज का जो सीरियल नंबर होता है, जैसे आपसे पहले भी हो सकता है कुछ मरीज उसमें रजिस्ट्रेशन कराए होंगे कि मेरे उसको भी ज़रूरत रही होगी, तो उस हिसाब से अगर कोई नेत्र उपलब्ध होता है तो फिर आपको उस मोबाइल नंबर पे या जो टेलीफोन नंबर दिए हैं उस पर आपको सूचना दी जाती है और अविलंब आने के लिए आपको कहा जाता है कि आप इतने आवर में, वो सूचना देंगे कितने आवर में आप पहुँच जाइए ताकि उस आई को, मिले हुए आई को ट्रांसप्लांट किया जा सके। सर ये तो बहुत अच्छा बात आप सर बताएं। सर आपने ये समय की जो बात करी है, तो क्या ये एक समय कुछ विशेष होता है क्या, जैसे कि ये जो नेत्रदान होता है किसी के मरणोपरांत ही हो सकता है, तो क्या ये समय विशेष होता है कि इस समय से इस समय के बीच में आप इसको ट्रांसप्लांट करा लीजिए या आँख को निकाल लीजिए, कुछ ऐसा विशेष समय होता है? देखिए, जो कॉर्निया होती है ना, जो ट्रांसप्लांट करते हैं, तो वो कॉर्निया कोई लैब में अभी फिलहाल नहीं बनता है। अच्छा। जो किसी डिसीस्ड पर्सन या मृत जो संसार को छोड़ चुके हैं उनके द्वारा किए गए दान से ही वो कॉर्निया उपलब्ध होती है। वो कॉर्निया उपलब्ध जो होता है कि मरने के, किसी जो दुनिया को छोड़ गए हैं उसके 4 से 6 घंटे के अंदर में वो आई वहाँ से ले आना होता है, आई बैंक का जो ड्यूटी होता है 4 से 6 घंटे में, और करीब 96 आवर में अगर किसी को ट्रांसप्लांट करनी है जो लिस्ट में है उसको 96 आवर्स के अंदर ही वो ट्रांसप्लांट किया जाता है, प्रत्यारोपित कर देना है, ताकि उस मरीज को जो प्राप्त किए गए टिश्यू है ये दोनों एक बार फिर से रिजनरेट हो सके, दोनों आपस में जुट सके। लेकिन सर ऐसा तो नहीं है कि जैसे तुरंत हम, जैसे डॉक्टर ने बुलाया और ट्रांसप्लांट करना है, तो क्या इसके लिए कुछ जाँच वगैरह और पहले से कुछ इलाज में सम्मिलित किया जाता है क्या? देखिए, बहुत अच्छा सवाल पूछे आप। इससे पहले जो हम लोग कलेक्ट करते हैं कहीं से आई को, कॉर्निया को जो कलेक्ट करते हैं, उससे भी उस मरीज के बारे में जानकारी उनके परिजन से लेते हैं या कोई मेडिकल हिस्ट्री है तो उसको अध्ययन करते हैं। कॉर्निया जो ट्रांसप्लांट करते हैं, कॉर्निया जो कलेक्ट करते हैं वहाँ से हम लोग, उस कॉर्निया को वहाँ से कलेक्शन के बाद विद इन 6 आवर कलेक्शन के बाद उस मरीज से 10 ml ब्लड भी लेते हैं। अच्छा। ताकि उस ब्लड के द्वारा भी बहुत सारा परीक्षण आई बैंक करती है कि इस मरीज को इसके अतिरिक्त और कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो कि हमको रोक रहा है दूसरे को ट्रांसप्लांट करने। अच्छा। तो इस तरह से वो कलेक्शन का प्रोसेस होता है और कलेक्शन के टाइम जो मृत प्राय व्यक्ति है उसका 6 घंटे के अंदर जो है कलेक्ट कर दी जाती है जहाँ पर मृत व्यक्ति रहते हैं। अगर कोई रजिस्ट्रेशन कराए तो हम लोग उसकी उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि अगर किसी की इस तरह से हादसा हो जाए या किसी को ऐसा हो जो मृत हो, या टेलीफोन वहाँ से आता है तो उनको हम लोग इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप पंखा को बंद कर दें, अगर घर में AC है तो चला सकते हैं।
लेकिन फैन चल रहा हो तो बंद कर दीजिए। आँख पर जो है गीली पट्टी डाल देनी चाहिए, कॉटन से भिंगा हुआ कपड़ा, ताकि आँख की मॉइस्चर जो कॉर्निया है उसकी मॉइस्चर बनी रहे, वो ड्राई ना हो पाए। तब तक जो है टीम जाती है वहाँ पर और वहाँ से आई कलेक्ट करके आई बैंक में लाती है। आई बैंक जो है अपना उसकी प्रोसेस करती है, जांच पड़ताल के साथ साथ प्रोसेस भी करती है, तब उसको रखा जाता है। इसी दरमियान जिसको लगना है उसको इन्फॉर्मेशन करके इमीडिएट कॉल किया जाता है। ये 2400 घंटा में अगर कॉल करने पे जिस समय मरी जाएगा तो उस समय वो ट्रांसप्लांट हो जाए, रात की मध्यरात्रि में आए या अपराह्न आए, मतलब 96 घंटे के अंदर उनको प्रोसेस। सर एक चीज़ आपने बताया कि ये फॉर्म है और इसके लिए मतलब आवेदन देना होता है, फॉर्म फिलअप करना होता है, रजिस्ट्री कराना होता है, तो सर क्या इसके लिए कुछ पैसे वगैरह भी लगते हैं क्या? नहीं देखिए, ये भारत सरकार की अंग प्रत्यारोपण एक्ट है, ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन एक्ट है, उसके तहत है। इसमें टोटल पैसे सरकार बेयर करती है। इसमें वैसे व्यक्ति जिसको लगाना है वो निश्चिंत रहें कि उसमें एक पैसे भी खर्च नहीं होते। अच्छा, बाकी मेंटेनेंस में जो घर पे अपना खाने पीने में हो अलग बात है, लेकिन सरकार की तरफ से अंग बेचना और खरीदना दोनों कानूनन जुर्म है। इसलिए इस तरह की कोई पैसे वगैरह की कोई जिक्र करते हैं तो वो अनुचित बात है, कानूनी बात। एक और सवाल है कि ये जो आई डोनेशन है ये कौन लोग नहीं कर सकते हैं और कौन लोग कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। जो आई डोनेशन, इस भारत के कोई भी नागरिक वो आई डोनेशन कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप का पर्सन वो डोनेट कर सकते हैं, किसी धर्म का अमीर हो या गरीब हो कोई भी व्यक्ति आई डोनेट कर सकता है। और जहाँ तक नहीं डोनेशन की बात है, कई एक असाध्य रोग होता है जिसमें अगर आई डोनेशन नहीं लिया जाता है, जैसे कुछ रोग का मैं नाम का जिक्र करना चाहूँगा, जैसे रेटिनोब्लास्टोमा एक आँख की जन्मजात कैंसर होती है, जैसे ब्लड कैंसर किसी को है, किसी को हिपेटाइटिस है या HIV संक्रमित हो, इन व्यक्तियों की आँख नहीं ली जाती है। इसके बावजूद भी अगर कोई रिक्वेस्ट करता है तो उसको हम उसमें मना नहीं कर सकते हैं। रिसर्च पर्पज़ से हम लोग वो लिया जा सकता है, लेकिन वो डोनेशन का कोई दूसरे पर प्रत्यारोपण नहीं होता है। सर तो इसका मतलब है कि आई बैंक सर पटना में है क्या? हाँ बहुत अच्छा, आई बैंक पटना में कार्यरत है, IGMS में। अच्छा, रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थल्मोलॉजी में एक स्वस्थ और मजबूत आई बैंक है। तो सर ये जो आँखें सर जो रखी जाती हैं आई बैंक में, तो उनके लिए सर क्या क्या सुरक्षा होती है, वो कैसे उसको अच्छे तरीके से रखा जाता है? देखिए आई बैंक बैंक लगा हुआ है, तो जिस तरह से आप रुपया बैंक में जमा करते हैं उसको बैंक का काम होता है उसको सुरक्षित और सही सलामत रख करके पुनः वापस करें, ठीक वैसे ही आई बैंक का काम है जो भी आई कलेक्शन हुआ, जो भी कॉर्निया कलेक्ट हुआ, उसकी पूर्णतः स्वस्थ रूप से जांच करना कि कॉर्निया लगाने लायक है अथवा नहीं है, कोई बीमारी से ग्रसित है अथवा नहीं है, और पूरा प्रोसेस करके उसको रखा जाता है ताकि अगला को वो ट्रांसफ़र कर सके। अच्छा, ट्रांसप्लांट कर सके एक समय सीमा के अंदर ही? हाँ बिल्कुल, समय सीमा के अंदर ही। सर जैसे एक तो नॉर्मल बीमारी है मोतियाबिंद जो आँखों की है, तो क्या इस ये जो इससे ग्रसित जो लोग होते हैं वो आई डोनेट कर सकते हैं? कोई भी मोतियाबिंद कोई छुआछूत की या महामारी वाली बीमारी नहीं है, वो भी चाहे तो आई डोनेट कर सकते हैं, किसी भी एज ग्रुप के। बस वो 4-5-6 डिजीज जो असाध्य रोग है उसको छोड़कर के बाकी कोई भी व्यक्ति वो आई डोनेट कर सकता है, किसी भी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, गरीब हो, अमीर हो, उससे कोई नहीं लेना है। सामाजिक कोई कई तरह की मान्यता होता है कि छुआछूत वाली बात कभी कभी आती है कि वो छोटे जाति का है या इस तरह की, ये सब बिल्कुल भ्रामक और रूढ़िवादी बात है। कोई भी स्वस्थ व्यक्ति जो चाहे तो आई डोनेट कर सकता है। वो आई डोनेशन मरणोपरांत लिया जाता है, ये भी समाज में फैलाने की ज़रूरत है, अपने दोस्त अपने रिश्तेदार को बताने की ज़रूरत है, मरणोपरांत ही आई ली जाती है। और ये इसीलिए शायद इसको महादान भी कहते हैं कि आप दुनिया को छोड़ चलें और आपके कोई शरीर के अंग किसी दूसरे के ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन जाए, इससे बड़ा पुण्य का या दान का कोई काम नहीं हो सकता। सही बात सर आप बोले कि लोग किडनी लीवर और ये सब भी डोनेट करते हैं, दान करते हैं, लेकिन आँख जो है नेत्रदान जो है वो महादान की श्रेणी में आता है। सर तो आपने बहुत अच्छी बात बताई कि मरणोपरांत भी आप इस दुनिया को देख रहे हैं या इस दुनिया में हैं, तो एक ये उससे जुड़ा हुआ है।
सर ये मोतियाबिंद वाली बात जो है, तो मोतियाबिंद का इलाज है या ऑपरेशन से उनको ठीक भी किया जाता है, तो सर ये जो आँख बदलने की जो स्थिति है ये कब पैदा होती है, किस स्थिति में आँख बदलने की बात आती है? देखिए आँख बदलने की स्थिति जो है, जैसे आँख में बालू चला गया, सपोज कीजिए आँख में कोई धूलकण चला गया, कोई मिट्टी चला गया, चोट लग गई, तो वो लापरवाही पूर्वक छोटे मोटे मेडिकल हॉल में कोई दवा ले करके शुरू कर देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जब आपको कंजंक्टिवाइटिस हुआ है, आँख से कीचड़ निकल रहा है, पानी निकल रहा है, और छोटे मेडिकल स्टोर में गए, वो क्या करते हैं, तो पैरिमोन या इस तरह के कोई स्टीरॉयड डाल देता है। अच्छा, तो वो बीमारी का इलाज नहीं, वो कॉर्नियल ओपेसिटी क्रिएट करता है, कॉर्निया को ख़राब कर देता है। अच्छा, जिसके वजह से जो है काफ़ी परेशानी जीवन में, परिजन के सहित बच्चे का जिसको हो गया या जिस उम्रदराज व्यक्ति को हो गया वो तो परेशान है ही, दूसरे भी उसके सगा संबंधी परेशान होते हैं, तो वो भी जिसको हो जाता है वो भी हीन भावना से ग्रसित हो जाते हैं कि काश मुझे एक दोनों आँख होती तो मैं ऐसा करता वैसा करता, मेरे पास आँख नहीं है। अभी के समय में इंडिया में 6.8 मिलियन जो है आई कॉर्नियल ब्लाइंड है इस समय, वो जो है प्रति वर्ष उसमें 40,000 के आसपास ऐड होता जाता है, और ऐसा है कि जो उसमें से 1 मिलियन पीपल जो है, 1 मिलियन जो कॉर्नियल ब्लाइंड है वो दोनों आँख से ब्लाइंड है। अब सोचिए उस पर जो सरकार की, उसके परिवार की सामाजिक दायित्व है, उसका निर्वहन नहीं होता, यानी कि देश पर एक बोझ सा हो जाता है। वो सरकार उसके लिए बहुत सारा अनुदान, ये फैसिलिटीज, ट्रेन में फैसिलिटी, एक आदमी जा रहा है तो उसके साथ एक और आदमी अपना समय, हाँ, समय उसका भी व्यतीत होता है, तो ये देश के लिए बहुत आर्थिक क्षति वाली भी बात है। सामाजिक क्षति तो है ही, आर्थिक क्षति भी है, इसलिए सरकार उस पर काफ़ी पैसे खर्चा कर रहा है। और थोड़ा सा लोगों को भी सावधानी और थोड़ी सतर्कता बरतनी चाहिए कि अगर छोटी सी भी बीमारी होती है तो एरू गरू से या किसी के कहने पर ये डाल लेते हैं, वो डाल लेते हैं, ये सब नहीं करना चाहिए। अच्छा, मतलब तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए और क्या बेहतर हो सकता है उसके लिए इलाज शुरू करना चाहिए। वो जिसको वो क्षणिक समझ रहे हैं कि मैं ये इतना इससे कहने से ये ले लूँगा तो मैं ठीक हो जाऊँगा, तो हो सकता है कई बार होता होगा, लेकिन कई बार उसका कई गुना मूल्य चुकाना पड़ता है। अच्छा, मतलब उसका विपरीत वो हो जाता है। बिल्कुल, तो एक बहुत अच्छी बात जो हमारे डॉक्टर साहब ने बताई कि अगर आँख में किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, धूल गर्दा बालू या किसी भी तरह का बात हो, जलन हो, तो इसको बस तुरंत हाल में जाके आप नियर मेडिकल स्टोर में जाके कुछ ऐसे ही दवा आप मत ले लीजिए, आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और इस बेहतर इलाज के लिए, आँखों की सुरक्षा के लिए आप लापरवाही ना करें। सर हम और भी जानना चाहेंगे कुछ बातें, जैसे कि आँख से संबंधित, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं नेत्रदान के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपने सर बताया कि बहुत विकट स्थिति है कि बहुत ज़्यादातर लोग ये कॉर्निया वाली जो प्रॉब्लम है उससे पीड़ित है, तो सर इसकी सुरक्षा और बचाव हम लोग कैसे कर सकते हैं? सुरक्षा तो हम लोग जो है खास करके कई बार देखेंगे आपकी सीमेंट का वर्क कर रहा है, बालू का वर्क कर रहा है, उसके ऊपर आई सील नहीं लगा हुआ होता है। कई बार देखेंगे आप गेहूँ की बालियाँ तैयारी कर रहे हैं लेकिन उसको मालिक 20-25 रुपया को ग्लास आता है बच्चों के लिए, वो नहीं यूज करते हैं, तो इस तरह से थोड़ा सा सेफ्टी लेंगे तो इस तरह का ना तो उसको परेशानी आएगी, परिजन को परेशानी आएगी या ना सरकार को परेशानी आएगी, इसलिए सेफ्टी तो ज़रूरी है ही, लोगों को थोड़ा जागरूक भी होना ज़रूरी है कि भाई ये काम कर रहे हैं, सीमेंट का बोरा निकाल रहे हैं वो सीमेंट आँख में आकर के बैठ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि मसाला उद्योग वगैरह में देखिएगा जो मसाले के काम करते हैं तो वो आई सील के बगैर ही क्या करते हैं, ये छोटी छोटी परेशानी अगर छोटी छोटी सावधानियां अगर बरतें तो ये परेशानी आएगी ही, कभी नहीं आएगी। और एक और सवाल है कि अगर मान लीजिए कि कोई जीते जी अपने वो रजिस्ट्रेशन ना किया हो तो क्या उसके मरणोपरांत उसकी उसके फैमिली मेंबर्स ये काम कर सकते हैं? अच्छा, ये देखिए ये तो और खुशी की बात है हमारे लिए, आई बैंक के लिए, इस राज्य के लिए, जहाँ पर आप एक आँख विभाग RIO का बात कर रहे हैं, IGMS का, इसमें 1,000 लोग अभी लिस्ट में लगा हुआ है, 1,000 लोगों को हमको लगाना है आई, और वो उस मामले उस मात्रा में उस रेशियो में डोनेशन नहीं उपलब्ध हो पाती है, इस वजह से उस बैकलॉग को हम पूरा नहीं कर पाते हैं, तब तक अगले साल में फिर कुछ लोग जुड़ जाते हैं। जब तक अवेयर नहीं होगा लोग, जब तक लोग इस जिम्मेवारी को नहीं समझेंगे कि ये जो हम दाह संस्कार करते हैं या दफन कर देते हैं तो उसमें तो सारे अंग ऐसे राख हो जाते हैं मिलकर के, अगर उसके उस अंग से कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा तो उसके परिवार वालों को भी काफ़ी खुशी होगी
कि मेरे पिताजी का या मेरे सगे संबंधी का देखिए आँख से आज दुनिया देख रहा है, उसको भी खुशी हो गया, जो देख रहा होगा उसको भी खुशी होगी। तो लोगों को जागरूक करना होगा, है ना सर? बिल्कुल। सरकार इसके लिए क्या कर रही है? सरकार काफ़ी जागरूकता के लिए अभियान चलाती है। हम लोग इस बीच में भी कई प्रोग्राम होता है आपका, सरकार बीच बीच में टीवी या अन्य माध्यम से भी जागरूक करना चाहती है कि लोग इसके प्रति अवेयर हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आँख निकाल लेंगे तो कई लोगों को ऐसा प्रेरित करते हैं तो वो बोलता है कि अगले जन्म में इसको हो सकता है आँख के साथ ना जन्म ले, या निकालने से डिसफिगर हो जाएगा, फिर आँख उलट जाएगी, ब्लड निकलने लगेगा, तो दाह संस्कार में लोगों को अच्छा नहीं लगेगा, या इस तरह की कुछ बातें मन में लोगों को रहती है। तो ये सब बिल्कुल भ्रामक है। जो स्थिति में है आँख निकालने के बाद आपकी आँख उसी स्थिति में रहती है, ना कोई ब्लड निकलता है ना कोई दूसरी डिसफिगरमेंट होता है कि देखने में बदसूरत लगेगा, ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल लोग स्वेच्छा से दान करें, ऐसा दान जिसमें आपको मरणोपरांत करना है, उसमें कोई आपको पैसे नहीं देना है, आपकी त्याग होती है उसमें, आपके त्याग से दूसरा दुनिया देखता है। सर ये जो फॉर्म है सर, तो ये फॉर्म आप सर हमारे दर्शकों को सर दिखाएं कि ये जो फॉर्म है ये एक फॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए है जिसको प्राप्त करनी है जिसके आँख में ये होता है। सर ये कहाँ उपलब्ध होगी सर ये फॉर्म? ये आँख विभाग IGMS जिसको रीजनल इंस्टीट्यूट कहते हैं, ये एक फॉर्म है। और ये दूसरा फॉर्म है जो डोनेशन के लिए, ये प्लेज फॉर्म होता है। अच्छा, ये सर दोनों फॉर्म भरना होता है? हाँ, दोनों फॉर्म भरना होता है। अच्छा। और सर ये भर के वहाँ पे जमा कर दिया? हाँ, इसको दान करना है। तो इसमें सर क्या क्या चीज़ें सर लगानी होती है, मतलब क्या प्रोसेस? कुछ नहीं, एक को जो फैमिली के रिलेटिव हो, नज़दीकी रिलेटिव हो, उसकी एक सिग्नेचर करनी होती है, और जो दान करते हैं वो अपना नाम वगैरह एड्रेस लिखा हुआ इसे देना होता है। सर आपने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई हैं, तो अभी हमारा वक्त तो अब कार्यक्रम का समाप्त होता चला है, तो आप चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप अपने भी और अपने सगे संबंधी को भी प्रेरित करिए, और ये प्रतिज्ञा लें कि हम डोनेट करेंगे तो दूसरा कोई इस दुनिया को देखेगा और आपको बहुत खुशी मिलेगी। जैसे आप स्वेच्छा से किसी चीज़ को कहीं पर दान करते हैं, उसी तरह से ये दान करिए, और ये दान आपका महादान होगा, क्योंकि एक ऐसे व्यक्ति जो दुनिया नहीं देख सकता है वो अगर दुनिया देखेंगे तो कितना आशीर्वाद देगा, कितना उसके लिए जीवन बदलाव की बात होगी। निवेदन करूँगा कि आप भी दें दर्शक, और अपने सगे संबंधी को भी प्रेरित करें वो डोनेट करें। क्या बात है, कहा भी गया है नेत्रदान महादान। सर बहुत अच्छी अच्छी जानकारी सर आप तो हमको और हमारे गांव घर के दर्शकों को दिए हैं। सर इसके लिए आप यहां पर आए और हमें जानकारी दी, सर इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों अभी हम लोग बात कर रहे थे नेत्रदान महादान और इसके बारे में कि आँखें कैसे हम लोग डोनेट करते हैं, कैसे ये ट्रांसप्लांट होता है और कौन सी चीज़ें हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आपके मन में किसी भी तरह का सवाल हो या आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमें हमारे पते पर लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर, निदेशक दूरदर्शन केंद्र, फ्रेजर रोड पटना 801, और हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो इसी के साथ हम ये कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर ले जाते हैं, और चलते चलते हम आपको दिखाना चाहते हैं एक प्यारा सा लोकगीत। आप इस लोकगीत का आनंद लीजिए और हमें हमारी पूरी गांव घर की टीम के साथ दीजिए इजाज़त। हम लोग मिलेंगे अगले अंक में कुछ नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। कखन हरब दुख मो, भोला नाथ, भोला नाथ, कखन हरब कखन हरब दुख मोर, हे भोलानाथ कखन हरब दुख मोर।
खन